हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी स्टूडेंट्स। आज मेरे पास है न्यूमेरिकल सेशन, और न्यूमेरिकल सेशन में हमने एक असाइनमेंट उठाई है और उस असाइनमेंट के न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं बेटा, ठीक है ना। उस असाइनमेंट के सारे न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व करने हैं, और उन न्यूमेरिकल्स से हमने पोटेंशियोमीटर को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना भी है, ठीक है जी। स्टार्टिंग फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने कर रखा है, क्लास में किया था हमने, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल से। देखिए जी, सेकंड न्यूमेरिकल क्या है। सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए बेटा। सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है कि इन द पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.2 वोल्ट गिव्स द बैलेंस पॉइंट एट 30 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। दिस सेल इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल ऑफ अननोन ईएमएफ। इफ द रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स इज 1.5, कैलकुलेट द डिफरेंस इन। देखो स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। डिफरेंस इन बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इन टू केसेस। देखो बेटा, आपको हमने क्या दिया कि एक सेल ऑफ ईएमएफ, जो पहली सेल है उसका ईएमएफ है हमारे पास कितना, 1.2 वोल्ट, यानी कि आपका ई1 जो है वो है 1.2 वोल्ट, ठीक है। इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ आपकी L1 जो है वो 30 सेंटीमीटर है। दिस सेल इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल ऑफ अननोन ईएमएफ, E2 का मुझे नहीं पता, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स इज 1.5, यानी कि आपका E1 upon E2, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1.5, ठीक है। E1 upon E2 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंस इन बैलेंसिंग लेंथ, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस आएगा बैलेंसिंग लेंथ में, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो बेटा कैसे काम करना है, तो आपको पता है ना कि E1 upon E2 किसके बराबर होता है, E1 upon E2 L1 upon L2 के बराबर होता है, ठीक है। तो दूसरे केस में बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी हमारे पास, इफ द रेशियो ऑफ EMF, रेशियो हमें दे रखी है कोई बात नहीं, ठीक है। तो L2 हमें निकालना है, तो L1 upon L2 should be equal to E1 upon E2, E1 upon E2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5, तो L1 की वैल्यू कितनी है भाई, L1 की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाय L2 दैट इज इक्वल टू 1.5, तो यहां से 1.5 L2 इज इक्वल टू 30, तो L2 इज इक्वल टू 30 अपॉन 1.5, ठीक है ना जी। तो ये आ गया आपके पास 20, तो L2 कितना आ गया बेटा 20 सेंटीमीटर। अब डिफरेंस कितना है बैलेंसिंग लेंथ में, L1 माइनस L2 देख लो, बैलेंसिंग लेंथ में डिफरेंस है 30 माइनस 20, दैट इज 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है बच्चा पार्टी, 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है बेटा, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। पलविंदर सिंह का राइट आंसर है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। इन ए पोटेंशियोमीटर ए स्टैंडर्ड सेल, यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया स्टैंडर्ड सेल, तो स्टैंडर्ड सेल का मतलब है ये है ड्राइवर सेल। स्टैंडर्ड सेल का मतलब है ये कैसी सेल है, ड्राइवर सेल है। ड्राइवर सेल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मेंटेन ए स्टेडी करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर, मतलब एल जो है वो 5 मीटर। टू प्राइमरी सेल्स E1 एंड E2 आर जॉइंड इन सीरीज विद सेम पोलरिटी एंड ऑपोजिट पोलरिटी। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड थ्रू ए गैल्वेनोमीटर and a jockey to the potentiometer. The balancing length in two cases are found to be 350 and 50 centimeter respectively. Draw the necessary diagram and find the value of EMF of two cells. EMF निकालनी है और diagram भी बनाना है हमें, ठीक है ना जी। देखिए जी कैसे काम करेंगे हम, देखो बेटा, देखो बच्चा अमर भी बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। देखो जी कैसे हमें काम करना है, कैसे हमें प्रेजेंटेशन देनी है, थोड़ा बोर्ड मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसकी स्टेटमेंट को 2-3 बार ध्यान से पढ़ लीजिए बेटा,
ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जब आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो आपको दिक्कत ना हो इसके लिए इसकी स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़ लें। न्यूमेरिकल नंबर 3 कर रहा हूं मैं बेटा। सभी बच्चे जो आंसर भेज रहे हैं वो प्लीज एक बार रुक जाएं, हाँ जी देखिए जी, कहता है इन्हें पोटेंशियोमीटर, ठीक है पोटेंशियोमीटर में स्टैंडर्ड सेल ऑफ ईएमएफ, तो सबसे पहले मुझे ये डायग्राम बनाना होता है। इस तरह से ये यहां पे ये मान लीजिए पोटेंशियोमीटर वायर है, ए बी एंड पे कनेक्ट किया गया, मैंने कनेक्ट किया मैंने ये ए एंड ये बी एंड, यहां पे मेरा लगा होता है स्टैंडर्ड सेल, ये मेरा स्टैंडर्ड सेल जिसका ईएमएफ है 5 वोल्ट, ठीक है जिसका ईएमएफ है 5 वोल्ट, स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ है 5 वोल्ट। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मेंटेन ए स्टडी करंट ऑफ थ्रू द गैल्वेनोमीटर ऑफ वायर लेंथ कैपिटल एल आपके पास है 5 मीटर। अब आपको पता है ना के इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इसको क्या बोलते हैं के को, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना जी पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वी बाय एल, वी कितना है 5, एल कितना है 5, तो ये आ गया 1 वोल्ट पर मीटर, पर मीटर। ये बैलेंस कहां पे करता है 350 और 50 सेंटीमीटर पे, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो इसको, तो 5/500 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 1/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर, 1 वोल्ट पर मीटर था जो किसके इक्वल है 1/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर के बराबर है वो बेटा, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है जी। अब कहते हैं टू प्राइमरी सेल्स, मतलब हमारे पास ये वायर है, कहते टू प्राइमरी सेल्स ऑफ ईएमएफ ई1 एंड ई2 आर जॉइंट, मतलब यहां से दो प्राइमरी सेल कनेक्ट करनी है आपको। ये लो जी एक प्राइमरी सेल तो हो गई आपकी ये वाली, ठीक है, और दूसरी प्राइमरी सेल हो गई भाई आपकी ये वाली, ठीक है। अब देखो भाई उसके बाद, उसके बाद इसने क्या कहा, कहते हैं कि टू प्राइमरी सेल ऑफ ईएमएफ ई1 एंड ई2, तो इसकी ईएमएफ है बेटा ई1 और इसकी ईएमएफ है बेटा ई2, आर जॉइंड इन सीरीज विद सेम पोलरिटी एंड अपोजिट पोलरिटी, ठीक है। अब इस कनेक्शन को गैल्वेनोमीटर से जोड़ना है और गैल्वेनोमीटर को मूवेबल जोकी से जोड़ना है, जो वायर ए बी पे क्या कर सकती है, मूव कर सकती है जोकी। अब कहते हैं द बैलेंसिंग लेंथ इन टू केसेस, सेम पोलरिटी में उनकी ईएमएफ हो जाएगी बेटा, पोलरिटी अगर सेम है तो ई1 प्लस ई2, ठीक है, पोलरिटी अगर सेम पोलरिटी है तो ई1 प्लस ई2, यानी कि ये आ गया बेटा आपका 350 सेंटीमीटर। और अगर आपने अपोजिट पोलरिटी ली तो इसके लिए जो बैलेंसिंग लेंथ है यानी कि ई1 माइनस ई2, वो बैलेंसिंग लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। मतलब ये लेंथ आपको दे, अब आप देखो आपके पास है पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर आप इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरी ख्याल से कॉन्सेप्ट बन ही जाएगा। आपको चाहिए E1 प्लस E2 क्या है, EMF ही है ना, EMF है, इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 350। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन लेंथ, यानी कि 1/100 मल्टीप्लाइड बाई 350, तो ये 0 से 0 गया, तो ये बन गया आपका 3.5, यानी कि E1 प्लस E2 आपका आ गया 3.5 से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बेटा दूसरी चीज, E1 माइनस E2 के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। अब आपके पास पोटेंशियल अपॉन लेंथ कितनी है, 1/100, ये पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ, अगर मैं इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा मेरा 0.5 आ जाएगा, E1 माइनस E2, ये भी क्या आएगा पोटेंशियल आएगा, इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको। अब देखो भाई 1 और 2 दोनों की दोनों इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर लो सबसे पहले, तो E1 प्लस E2 आपका आ गया
3.5, तो आपका 2 even आ गया 4, तो even की वैल्यू आ गई 2 वोल्ट। even की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, even की वैल्यू आ गई 2 वोल्ट। अब even plus E2 कितना है, even की वैल्यू 2 वोल्ट plus E2, that is equal to 3.5, तो E2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3.5 minus, तो 1.5, ठीक है, तो एक आ गया 2, एक आ गया 1.5, this is the final answer, एक आया 2 वोल्ट, एक आया 1.5, चेक कर लो बेटा इसको एक बार, ठीक है, चेक कर लो इसको, फिर आगे मूव करेंगे। हाँ जी, एक बार चेक कर लो, अगर इसमें डाउट आ रहा है तो फिर बताओ मुझे, अगर इसमें डाउट आ रहा है तो फिर मुझे बता दो फटाफट से, अगर डाउट नहीं आ रहा है तो थोड़ी जब भेज दो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इवन कैसे आया, इवन कैसे आया, ये यहां से आया ना बच्चे, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, दोनों को ऐड किया तो ये माइनस, ठीक है, ये ओहो ये माइनस, यहाँ पे दोनों को ऐड करा है बेटा, तो प्लस माइनस तो करना ही नहीं है ना, तो 2e1 e2 से e2 कैंसिल हो गया, और 3.5 प्लस 0.5 तो ये बन गया 4, तो e1 इज इक्वल टू आ गया 4 डिवाइड बाय 2, तो ये बन गया 2 वोल्ट, ठीक है बेटा। ओके सर, यस सर, हां जी, अब देखो भाई आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 पे, ठीक है, देखिए जी न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या कहता है, देखो जी न्यूमेरिकल नंबर 4, देखो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 4 में एक 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस इज यूज्ड एज ए पोटेंशियोमीटर वायर। ध्यान से समझना इसकी स्टेटमेंट, एक 10 मीटर लॉन्ग वायर मतलब इसका लेंथ दे रखी है 10 मीटर, ठीक है, ऑफ आगे इसने बोला कि रेजिस्टेंस कितना है इसका, रेजिस्टेंस है 20 ओम। दिस वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, यानी कि E इज इक्वल टू आ गया आपका 5 वोल्ट, अलोंग विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R आपके पास आ गया 480 ओम। इफ एन अननोन EMF इज बैलेंस्ड एट 600 सेंटीमीटर ऑफ दिस वायर, मतलब स्मॉल एल की वैल्यू दे दी कितनी, 600 सेंटीमीटर मतलब 6 मीटर, ठीक है, कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर एंड द वैल्यू ऑफ अननोन EMF एंड द वैल्यू ऑफ अननोन EMF। अब आपको याद है ना बेटा कि आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कैसे निकाली थी, के की वैल्यू कैसे निकाली थी, EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी कि स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइड बाय टोटल लेंथ एल, यही था के, तो आपकी ड्राइवर सेल की ईएमएफ कितनी है 5 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 480 प्लस 20 और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 20 और लेंथ कितनी है 10 मीटर, तो ये आपके पास आ गया पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ यानी कि 5 upon 500 into 2, 0 से 0 कैंसिल हो गई यानी कि 10 यानी कि 1 upon 50 वोल्ट पर मीटर 1 upon 50 वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना, तो ये आपके पास आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्ट पर मीटर, ठीक है, मैं वोल्ट पर मीटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एल मैंने 10 मीटर लिया है, ध्यान रखिए इस बात का। अब देखिए द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर एंड द वैल्यू ऑफ अननोन EMF, आपको अननोन EMF निकालना है, तो आप EMF कैसे निकालते हैं बताइए, आप क्या कहते हैं कि EMF अननोन EMF की वैल्यू क्या होगी, E इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है 1 upon 50 और लेंथ कितना है आपके पास 600 मीटर यानी कि 6 मीटर, तो 6 upon 50, ठीक है, तो 6 upon 50
ये क्या बनेगा आपके पास 6/5 × 10⁻¹। ठीक है, तो 5 × 5 और 5 × 2 = 10, तो 1.2 यानी कि 0.12 वोल्ट, 0.12 वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चा, तो चेक कर लो बेटा। बस बात ये है कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली पता होना चाहिए। अगर आपको एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट पता है फिर आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। आपको प्रॉब्लम तभी होगी जब आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। जब आपको फॉर्मूला अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना आएगा तब आएगी आपको प्रॉब्लम। ठीक है ना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली बेटा। ठीक है जी। हाँ जी, सभी बच्चों को समझ में आया बेटा? जिस जिसको समझ में आया फटाफट से थम्स अप भेज दिया करो भाई। अच्छा जी, अच्छा हाँ परबलीन, मैंने कल वाली क्लास नहीं डाली बेटा यूट्यूब पे, मैं अपलोड कर दूंगा बच्चा उसको बिल्कुल। अच्छा प्रियंका समझ में आ गया, महक, परबलीन, सुकलीन, परबलीन। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। अच्छा भाई आगे बढ़ता हूँ बच्चा मैं, मेरे साथ साथ सभी बच्चे चलते जाएंगे, न्यूमेरिकल करते जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को डाउट आता है तो फटाफट से अनम्यूट करेगा और बोलेगा कि सर यहाँ डाउट है मुझे, वहीं मैं स्टॉप कर दूंगा और मैं आपको समझाऊंगा, अदरवाइज मैं फटाफट से न्यूमेरिकल करता जाऊंगा। ठीक है, मैं रुकूंगा नहीं। ठीक है, फिफ्थ को देखिए, फिफ्थ में क्या बोला है, कहते द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर ऑफ वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर इज 20 ओम। ठीक है, ए रेजिस्टेंस बॉक्स एंड 2 वोल्ट एक्यूमुलेटर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद इट, व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉक्स टू हैव ए पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 1 μV पर एम्पियर। 1 μV पर मिलीमीटर, मतलब ये क्या है पता है आपको, 1 μ, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶ वोल्ट। अब पर लिख दिया ना, तो पर लिखते डिवाइड बाई मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर। तो आपको पता है वोल्ट डिवाइड बाय लेंथ क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, तो k की वैल्यू दे दी, मतलब इसका तो k की वैल्यू आ गई 10⁻⁶ × 10³ वोल्ट पर मीटर, यानी कि 10⁻³ वोल्ट पर मीटर ये वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर रखी है k की। अब k की वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर रखी है, आगे मैं काम कैसे करूंगा। आगे इसने कहा द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी है भाई, कैपिटल एल अप टू 10 मीटर दे रखा है बेटा, और स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है 20 ओम। ठीक है ना, ए रेजिस्टेंस बॉक्स एंड 2 वोल्ट एक्यूमुलेटर, यानी कि आपको EMF E = 2 वोल्ट दे रखा है। ठीक है ना जी, व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन द बॉक्स टू हैव ए पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब आपको कैपिटल आर की वैल्यू चाहिए, तो सारी वैल्यू तो गिवन है, आप बताओ कैसे निकालोगे। देखो जी आपको पता है ना K = हमने क्या लिखा था, EMF divided by total resistance, small r plus capital R multiplied by R divided by length L, ये formula था भाई। ये क्या होता है, ये होता है आपका V = IR, तो V = होता है IR, आपको क्या चाहिए V/L चाहिए, तो V/L = K होगा ना, तो K होगा। ठीक है, और V = IR होता है, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, करंट की आ गई, ये आ गया रेजिस्टेंस डिवाइड बाय लेंथ। अब आप बताओ मुझे यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या गिवन है, वैल्यूज है EMF की 2, कैपिटल R मुझे निकालना है, स्मॉल R मुझे दे रखा है 20, और 20 डिवाइड बाय लेंथ कितना दे रखा है 10 मीटर, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, K की वैल्यू भी गिवन है 10⁻³। सॉल्व कर लो जी यहाँ से, तो आपके पास R प्लस 20 × 10⁻³ That is equal to 2 × 2 = 4. तो ये आ गया भाई R plus 20 that is equal to 4 × 10⁻⁴, इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, यानी कि ये बन गया 4000 बन गया बच्चा। तो R is equal to क्या बनेगा बेटा, 4000 − 20, यानी कि आंसर कितना आया 3980. 3980 क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है बेटा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चा, ओम होती है बेटा। तो ये आपके पास आ गया 3980, ठीक है 3980 ओम।
ठीक है बेटा, सभी बच्चों को समझ में आया? बेटा देखो ये न्यूमेरिकल जब आप मेरे साथ कर रहे हो, देवेंद्र का आंसर आ गया था, जब आप ये न्यूमेरिकल कर रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखना होता है आप लोगों को। पेशेंस कैसे, कि आप न्यूमेरिकल के साथ ऐसे डील नहीं कर सकते डायरेक्ट कि आपने देखा और देखते ही आपने आंसर बता दिया, नहीं, थोड़ा सा उनके साथ आपको काम करना होता है। ठीक है बेटा, तो यहां से बच्चे जैसे कि मैं देख रहा हूँ अब 50% बच्चा बिल्कुल ही डल हो चुका है। आपको मैं बता दूं कि आपको मैं वो काम करवा रहा हूँ जो आपको इतना ऊपर उठा देगा जिसके बारे में आपने भी नहीं सोचा होगा कि यार हम IIT JEE के न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर जाएंगे क्या, ऐसे ऐसे सोचा नहीं होगा आपको। ऐसे न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूँ आपको, A to Z न्यूमेरिकल कराने का मेरा पर्पज क्या है कि मेरा बच्चा किसी भी वे से पीछे ना रहे। तो प्लीज इसको आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करें बच्चों, ठीक है? तो ये न्यूमेरिकल मेरे साथ लग के बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना बेटा? तो चलो जी आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 पे, ठीक है? न्यूमेरिकल नंबर 6 पे हाँ जी, न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे, ठीक है? तब तक मैं बोर्ड बनाऊंगा यहाँ पे अपना एक अच्छा सा, देखो जी न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। हालांकि देखो भाई, विद ए सर्टेन सेल द बैलेंस पॉइंट इज एट 70 सेंटीमीटर। सर्टेन सेल जिसका EMF है मान लो E के बराबर है ना, कि बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन एट 70 सेंटीमीटर फ्रॉम जीरो एंड ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है जी। विद अनदर सेल हुज EMF डिफर्स फ्रॉम द फर्स्ट सेल बाय 2, यानी कि EMF इसकी कितनी है, E-0.2। The balance point is obtained at 60 centimeter mark. Calculate the EMF of two cells. अरे यार ये तो कोई concept ही नहीं है। आपको पता होगा कि E1 upon E2 किसके बराबर होता है? E1 upon E2 होता है, L1 upon L2 के बराबर होता है ना जी। तो आपको L1 भी दे रखा है, L2 भी दे रखा है, वैल्यू भी तो पुट करनी है। एक की EMF E है, दूसरे की डिफर करती है 0.2 से, E-0.2। एक L1 आपको दे रखा है 70 सेंटीमीटर, दूसरा दे रखा है 60 सेंटीमीटर, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो तो 6E = 7E - 0.2 × 7, यानी कि 1.4। तो यानी कि ये बन गया आपके पास -E = -1.4, तो E = आ गया 1.4। तो दूसरे की EMF कितनी आ गई, 0.2 डिफर करती है, तो दूसरे की कितनी आ गई, ये E1 आ गई, E2 0.2 डिफर करती है तो 1.2 आ गई, बस दैट्स इट, ठीक है ना भाई। एक की आपके पास 1.4, एक की आपके पास 1.2, ठीक है ना जी। हाँ जी महक का आंसर आ चुका था मेरे पास, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। देखो बच्चों आप इन न्यूमेरिकल को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करो, जितना अच्छा आप मेरे साथ लग के इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा होल्ड बन जाएगा आपका आर्टिकल पे, ठीक है ना जी। चलो भाई आगे चलते हैं हम, है ना, चलो जी आगे देखो। न्यूमेरिकल नंबर 7 पे आता हूं मैं, और 7 से देखते हैं कि 7 क्या पूछ रहा है हमसे, ठीक है? बड़े अच्छे तरीके से हमने इसे सॉल्व करना है। डायग्राम इसका गिवन है हमें, ठीक है? इसकी स्टेटमेंट आप लोग पढ़ेंगे पहले, तब तक मैं बोर्ड प्रिपेयर करूंगा, ठीक है जी? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए हाँ जी, स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ो। द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 20, यानी कि ये एल की वैल्यू दे दी, कैपिटल एल की वैल्यू, ठीक है, और ये आपको दे दिया हैज ए रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये स्मॉल आर की वैल्यू दे दी, ये कैपिटल एल की वैल्यू। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ये दे दिया आपको कैपिटल आर, एंड एन एक्यूमुलेटर, ये आपको दे दिया EMF E, हैविंग नेगलिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ए सोर्स ऑफ 2.4 वोल्ट इज बैलेंस्ड अगेंस्ट लेंथ L ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, फाइंड द लेंथ L। बताओ भाई कितना, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन हमसे कर लिया, आप बताओ आपको यहां पे कैपिटल L की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 सेंटीमीटर,
200 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 ओम, ठीक है ना जी। और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 10 ओम। एक्यूमुलेटर सोर्स, मतलब सोर्स जो वोल्टेज है वो है 6 वोल्ट, ठीक है ना, हैविंग नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ए सोर्स ऑफ 2.4, ये तो यहाँ पे लगाना 2.4 वाला, ठीक है, इज बैलेंस्ड अगेंस्ट द लेंथ एल। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है ना। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालोगे आप, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, आप सीधा अप्लाई करिए पोटेंशियल ग्रेडियंट। EMF आपकी कितनी है, 6 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना बना, 20 प्लस 30, और स्मॉल आर कितना है, 20, लेंथ कितनी है, 200 सेंटीमीटर, 0 से 0 2 10 जा है ना, और 3 2 जा 6, तो 2 into 10 is to power minus 2 वोल्ट, नीचे क्या था, पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई जी आपके पास, ठीक है, 2 into 10 is to power minus 2, ठीक है, 2 into 10 is to power minus 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपको निकालना है बैलेंसिंग लेंथ, भाई बैलेंसिंग लेंथ निकालना है, तो आपको पता है ना कि V is equal to K into L किया था आपने, अब V कितना दिया आपको, 2.4, बैलेंसिंग लेंथ L निकालना है ना, तो K की वैल्यू कितनी आपकी, 2 into 10 is to power minus 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, K की वैल्यू है ना, तो L चाहिए आपको, ठीक है, तो L चाहिए तो आपके पास कितना आ गया, 2.4 डिवाइड बाय 2 into 10 raised to power minus 2, ये आ गया बेटा 2.4 डिवाइड बाय 2, पावर ऊपर आएगी तो प्लस हो जाएगी, 10 raised to power plus 2, ये आपका बन गया 1.2। आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर इसकी क्या है बेटा, बैलेंसिंग लेंथ है बेटा, 120 सेंटीमीटर क्या है बेटा, इसकी बैलेंसिंग लेंथ है बच्चा, नोट कर लीजिए बच्चा पार्टी इसको, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था ये। हाँ जी, कुछ बच्चों के आंसर भी आए पड़े हैं, दैट्स वेरी गुड, दविंदर, महक, और किसी का आया था, दविंदर, महक, बस दो ही बच्चों के आंसर आए हैं भाई, साथ साथ एफर्ट करो बेटा, आप लोग मेरे साथ साथ लग के काम करो बच्चों, ऐसे मत रहो ढीले डाले से, इसको नोट करो फटाफट से, आगे बढ़ते फिर। कल आ जाएगा बेटा, कल आ जाएगा ईशान, हाँ जी आपकी अटेंडेंस भी मार्क कर देते हैं जी। अमरवीर, अंशु पठानिया, भारती, चिराग, दविंदर सिंह, गुरलीन कौर, हरकमल प्रीत सिंह, हरकीरत कौर, हरकीरत कौर के बाद है जी ईशान किशोर, खुशदीप, मनप्रीत कौर, मनवीर, मनवीर के बाद महक, महक के बाद पवन, पवन के बाद प्रबलीन, प्रियंका, सुखलीन, सुखलीन के बाद वंशिका, वंशिका, वंशिका तुम आज आंसर नहीं कर रहे बेटा, क्या हो गया? प्रिंस चौहान, यस सर, सुखलीन तुम आंसर नहीं कर रहे आज, तुम न्यूमेरिकल को सॉल्व करके नहीं भेज रहे मेरे पास, क्या हो गया बेटा, बोलो बच्चा, मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे तुम, क्या हुआ, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में,
हैं है बेटा, क्या हुआ वंशिका? सर आपने अभी सुखलीन बोला इसलिए मैं आपको जवाब नहीं दे रही थी, मुझे लगा आप सुखलीन से पूछ रहे हो। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी, तो तुम बताओ वंशिका, तुम क्यों नहीं जवाब दे रहे बेटा? सर मैं कर रही हूँ आपके साथ। कर रहे हो, सॉल्व? ठीक है बेटा, फिर ठीक yes, है ना, हमारे जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनके जवाब है ना सबसे पहले आने चाहिए हैं। अब वो बच्चे बिल्कुल ऐसे बैठ जाएंगे तो हम कैसे पढ़ा पाएंगे बताओ? ऐसे मत बैठो भाई बच्चों, आप सभी के सभी यहाँ पे जितने बच्चे मेरे साथ बैठे हैं और न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो सारे अच्छे बच्चे हैं, तो बोला करो, अगर समझ में ना आए तो समझ में नहीं आया सर ये बोल दिया करो, अगर कर लिया हो तो सर कर लिया था मैं बिल्कुल नजदीक था या मेरी यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई, बताया करो बेटा, बताने से मुझे पता लगता है कि हाँ बच्चा कहाँ अटक रहा है या कहाँ मार खा रहा है ना, तो इससे एक बॉन्डिंग भी बनती है अच्छी। अब जो बच्चा चुपचाप बैठा है अब मुझे क्या लगेगा कि वो सुस्त बैठा है ना। चलो एट्थ न्यूमेरिकल करते हैं, देखता हूँ मैं कितने बच्चे बोलेंगे इस बार, मैसेज करना है आप लोगों ने मुझे। ए 10 meter लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 10 meter है तो L आपको 10 meter दे रखा है, एंड 10 ohm रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस है 10 ohm, स्मॉल r 10 ohm है। द वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी, मतलब ये सोर्स बैटरी है, मतलब ये ड्राइवर बैटरी है, ड्राइवर बैटरी को मैं E से रिप्रेजेंट करता हूँ उसकी EMF को, along with an external resistance 290, मतलब ये capital R की value है हमारी, ठीक है? If an unknown EMF is balanced at 6 meter length of the wire, calculate potential gradient of the potentiometer, value of unknown EMF, ये तो बहुत easy होगा हमारे लिए, ये तो बहुत ही ज्यादा easy रहेगा हमारे लिए, बताइए कैसे काम करेंगे आप इसको? देखो बेटा, आपको दे रखा है length दे रखा है, आप निकालिए पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय आर बाय एल, ठीक है? तो मेरा ई का वैल्यू कितना है 4 volt डिवाइड बाय स्मॉल आर, स्मॉल आर कितना है मेरा 10, कैपिटल आर कितना है 290, स्मॉल आर कितना है 10, लेंथ कितनी दे रखी है 10 meter, तो ये आपके पास 4/310/10 आपको पता है जीरो हो गया, तो 4/300 वोल्ट पर मीटर है ना, 4/300 आपका वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना, वोल्ट पर मीटर, ठीक है जी। तो अब आपके पास ये कितना बना भाई 75, तो 1/75 भी लिख सकते हैं इसको, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए, देखिए बच्चा यहाँ पे क्या बोला, EMF is balanced 6 meter of length, calculate unknown EMF, आपको पता है ना E is equal to क्या करोगे आप V into L, तो length आपको दे रखी है, EMF आपको उसको चाहिए, E is equal to K into L और K की वैल्यू है 1/75 volt per meter और आपको length कितनी दे रखी है 6 meter, तो 6/75, ठीक है ना भाई 6/75, तो अननोन ईएमएफ आपके पास आ गई, ठीक है जी, इसका आंसर आ गया वोल्ट, बस दिस इज द फाइनल आंसर। तो दिस इज द वे बच्चा वी कैन डील विद द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इस बार वंशिका का भी आंसर आया और 6/75 वंशिका, अमरवीर 0.12, अंशु का आंसर क्या आया पड़ा है 4, वंशिका 4/300, दैट्स वेरी गुड। अच्छा ईशान, कैलकुलेशन एरर हुई थी थोड़ी सी, चलो वो तो कोई बात नहीं बेटा, कैलकुलेशन एरर तो हो जाती है। हरकिरत कौर 0.12, कहां से निकाल रहे हैं ये लोग हैं भाई 0.01, चलो भाई एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो बच्चा 0.08 तो बनता है सुक्लीन, बिल्कुल सही बात है सुक्लीन, आंसर सही है बेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है सुक्लीन का, ठीक है। अच्छा दैट्स गुड,
दैट्स गुड। तो आज की क्लास हम यहीं पे करते हैं बेटा समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है? तो थैंक यू सर, थैंक यू। इस असाइनमेंट को ट्राई करना जो बाकी रहती है, जिन बच्चों के पास ये असाइनमेंट नहीं है प्लीज व्हाट्सएप पे और ये असाइनमेंट कलेक्ट कर लीजिए मेरे से, ठीक है? मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, लेकिन जब तक आपके पर्सनल मैसेज नहीं आएंगे तब तक आपको असाइनमेंट नहीं मिल पाएगी। तो प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज कर दिया करो कि सर असाइनमेंट भेज दो, तो आपको असाइनमेंट तुरंत मिल जाएगा, ठीक है? चलो, थैंक यू बच्चा, थैंक यू।